सत श्री अकाल जी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट जो यूएस और कनाडा का बॉर्डर बंद पड़ा है उसे रीओपन करने के लिए काम करने लगी है। आपको मैं आगे डिटेल में इस वीडियो में बताती हूँ। जैसे आपको पता ही है कि पिछले साल कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर बंद हो गया था महामारी करके, वो दोबारा खोलने की कोशिश करी जा रही है। जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट अब कह रही है कि जिसने टीका लगवा लिया है, वैक्सीनेशन लगा लिया है, तो अब उनको थोड़ी राहत दी जाएगी। महामारी करके जो बॉर्डर हैं सिर्फ एजेंशियल वर्क के लिए ही खुले हैं, यूएस और कनाडा के बॉर्डर। सबसे लंबा यूएस और कनाडा का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो उसे खोलने की तैयारी हुई जा रही है। कनाडा और यूएस की गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है कि अब इसे कैसे खोला जाए। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट स्टार्ट करा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा, जब आप बॉर्डर पर जाएंगे तो ये चेक करा जाएगा। तो अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है, आगे बॉर्डर कब खुलेंगे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे कोई जानकारी आती है वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।